नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। भाजपा से कुछ जनप्रतिनिधियों का टिकट कटा जाएगा तब भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा से वरिष्ठ नेता डॉक्टर बद्री नारायण गुप्ता ने कहा। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में डॉक्टर बद्री नारायण गुप्ता पूर्व सीएमओ द्वारा निःशुल्क विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। डॉक्टर बद्री नारायण गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह निःशुल्क शिविर कई वर्षों से लग रहा है और आगे भी इसी तरह लगेगा। 2022 के चुनाव पर बोले कि मोदी प्रधानमंत्री व योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री अच्छे हैं, परंतु कुछ मंत्री व जनप्रतिनिधि नहीं, लगभग 150 जनप्रतिनिधियों का टिकट कटेगा तो पुनः भाजपा की सरकार बन सकती है। मैं डॉक्टर बद्री नारायण गुप्ता पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर रह चुका हूँ, वर्तमान में भाजपा का जिला संयोजक हूँ चिकित्सा प्रकोष्ठ का। ये शिविर तो मैं बहुत दिनों से, कई सालों से लगा रहा हूँ। इसमें इक्वाइन एक ऑफ्थाल्मिक सोसाइटी का संस्था है जिसने 2017 में हमको अवार्ड भी दिया था। ये अवार्ड है डॉक्टर शरद चंद दास एंडाउनमेंट इक्वाइन अवार्ड। ये अवार्ड भी कम्युनिटी ऑफ्थेल्मोलॉजी पर मैं अवार्ड भी गोवा में 2017 में पा चुका हूँ और ये निरंतर सप्ताह में 3 या 4 दिन हर अल्टरनेट डे पे बलिया जनपद के 72 लोकसभा क्षेत्र के लगभग काफ़ी गांवों में, बलिया डिस्ट्रिक्ट में भी सब जगह लगभग पूरा हो चुका है। आज भी लग रहा है शिविर हमारा, और वहाँ से जो भी कैटरेक्ट के मरीज या अन्य, ये तो मैं जब पढ़ रहा था आगरा मेडिकल कॉलेज में उस समय हमारे प्रोफेसर डॉक्टर डीजे पांडे थे, तो पहले ये मैं सन 86 में मैं साल में एक बार दिसंबर में लगाता था रेपुरा गांव में, उसके बाद धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ और 6 महीने में, फिर 3 महीने में, और रिटायर होने के बाद मैं सप्ताह में 3 बार लगाना हूँ। 2022 के चुनाव चल रहे हैं, इसका वो क्या करना है? 2022 तो इसमें दो राय नहीं है कि भाजपा को आना चाहिए, लेकिन हमारे विचार में जो प्रेजेंट है, वैसे भी बलिया में दोबारा कोई जीतता नहीं है जल्दी, एक आध ही लोग हैं जो दोबारा जीते हैं विधानसभा या लोकसभा में, तो बदलना चेहरा बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि जनता असंतुष्ट दिखाई देती है। ये आपकी क्या राय है? हमारी राय किस संबंध में जानना चाहते हैं? आरक्षण के बात पर है। हाँ देखिए, हमारी बात है 2-3 चीज है। एक तो जो आरक्षण देश में चल रहा है, यदि मोदी जी इसको ख़त्म नहीं किए तो किसी के बलबूते के बाहर की बात है ये, और आरक्षण बढ़ता जाएगा, क्यों कि जो आरक्षण एक बार पा लेता है उसका स्टेटस बढ़ जाता है और उनके बच्चे फिर अच्छी तालीम, अच्छे स्कूल में अच्छा खान पान होता है, फिर वो अपने ही बिरादरी के जो बच्चे आरक्षण नहीं पा चुके होते हैं उनसे कम्पिटिट होते हैं, तो वो बेचारा कभी नहीं, जो आरक्षण से कभी सुविधा नहीं पाया है, उतना तालीम पा ही नहीं सकता है, उतनी सुविधाएं भोग नहीं सकता है, तो उसका कंपटीशन एक हृष्टपुष्ट शरीर से और एक दिनहीन शरीर से हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार आरक्षण जिसको मिल जाए उसके बच्चों को फिर दोबारा ना दिया जाए, इस मोटो में मैं लगा हूँ। दूसरा जो है IAS, जब जिलाधिकारी बन जाता है तो उसके हाथ में पुलिस का डंडा भी, जब तक वो ऑर्डर नहीं देगा तो पुलिस का डंडा बेकार है, उसके पास मजिस्ट्रेट का भी पावर रहता है और पूरे ज़िले का रेवेन्यू भी रहता है, तो पैसा ऐसी इस कलयुग में अहमियत रखता है कि पैसे से लगभग आजकल का मान्यता, भले कुछ लोग कह दें कि सब कुछ नहीं हो सकता है लेकिन पैसा बहुत कुछ कर सकता है, तो IAS जो जिलाधिकारी बन जाते हैं उनका मुख्य लगाव जो है पैसे पर चला जाता है,
इसलिए लॉ एंड ऑर्डर का दरकिनार करके पैसे पर वो भिड़ जाते हैं। और कोई भी आज IAS का छापा पड़ा है तो कोई सरकार का छापा बेकार नहीं गया है, कई करोड़ कई सौ करोड़ मिला है। इसलिए मेरा है कि इनसे जो है एक अलग एक बना लिया जाए, जैसे रेवेन्यू सर्विसेज करके ऑल इंडिया पर, और उनका सीधे विभाग मंत्रिमंडल अलग हो, विभाग अलग हो, उस पर जिलाधिकारी का हस्तक्षेप PCR लिखने का ना हो। ये दो मेन मेरा मुद्दा है। और कुछ जुडिशियरी में भी मैं चाहता हूँ कि जुडिशियरी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने, क्योंकि जुडिशियरी यहाँ की सबसे बेलगाम है, कोई उसको ठीक नहीं कर पा रहा है। योगी सरकार प्रदेश में है, मोदी जी की सरकार केंद्र में है आपकी, और क्या उनके कार्यशैली से आप संतुष्ट हैं? देखिए, मोदी जी की कार्य समझिए ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ मेरी नज़रों में। इतना महान नेता आप देख लीजिए, किसी पार्टी का नाम लीजिए, देखिए वो पहले आज से 20 साल 30 साल पहले क्या थे, आज क्या है, उनका बिजनेस क्या रहा, बस इतना ही से आप सबका मूल्यांकन कर सकते हैं कि कौन प्रधानमंत्री कौन मुख्यमंत्री कैसा था और कैसा है। तो हम